कि अब सवाल ये है कि इस चुनावी जीत से क्या राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वो महागठबंधन के नेता बन जाएंगे। राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि यूपी में महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी तो नहीं होंगे। बाकी दलों से भी ऐसे ही संकेत मिले हैं। महागठबंधन को राहुल कबूल नहीं। मोदी के खिलाफ महागठबंधन का चेहरा कौन? सेमीफाइनल कांग्रेस जीती, फाइनल में क्या होगा? महागठबंधन के नेता राहुल गांधी होंगे, ये हम नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश में तो नहीं होंगे। सुना आपने, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने साफ कहा है कि राहुल गांधी यूपी में तो महागठबंधन के नेता नहीं होंगे। साफ है, तीन प्रदेश जीतने का ये मतलब कतई नहीं है कि राहुल गांधी महागठबंधन के नेता बन जाएंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि लोगों ने मजबूरी में कांग्रेस को वोट दिया, तो अखिलेश यादव ने भी गठबंधन की बात को फिलहाल खारिज कर दिया। जनता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर नहीं चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी को ही अपना मजबूत विकल्प समझकर फिर अधिकांश अपना वोट इसी पार्टी को ही दे दिया। देखिए, अभी कोई अलायंस की बात नहीं होगी, अभी केवल अपनी पार्टी कितनी मजबूत है और पार्टी का संगठन और पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक होगी। कोई भी सियासी खिलाड़ी अपने पत्ते फिलहाल खोलना नहीं चाहता, लेकिन दो दिन पहले हुई महागठबंधन की बैठक में एसपी और बीएसपी से कोई नहीं पहुंचा था और अब भी राहुल गांधी के नाम पर कोई सहमति नहीं है। प्रधानमंत्री के रेस में मैं नहीं हूँ, ये बात एक नहीं दो बार उन्होंने की है, फिर भी आप क्यों ऐसे कैंपेन करते हैं मुझे मालूम है। अगर बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना है 2019 में, तो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी लीडर्स को आगे आना पड़ेगा, ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है। महागठबंधन वगैरह देश के स्तर पर, ऑल इंडिया स्तर पर हर वक्त चुनाव के बाद ही बनते, तो ये सवाल चुनाव के बाद ही आएगा। 2019 में मोदी वर्सेस देश की जनता होगी। ममता बनर्जी भी राहुल गांधी को महागठबंधन का नेता मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मन ही मन में बहुतों ने नजर गड़ाई हुई है, इसीलिए लगता नहीं है कि मोदी को हराने के लिए बनाया जा रहा मजबूरी का महागठबंधन फिलहाल राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।